चेस्ट के जो स्टर्नम है हमारा, स्टर्नम के लोअर पार्ट में हमारा ये जो पाम है, पाम का एंड, उसे हमें ये प्रेशर करना है। सेम अपर हैंड दिस एंड हमें इसके ऊपर रखना है। देन स्ट्रेट ये हमारा एंकल, ये एल्बो स्ट्रेट हो गई एंड शोल्डर स्ट्रेट। देन हमें उसे प्रेशर करना है विद काउंटिंग 30, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. हमें 30 कंप्रेशन के बाद टू ब्रीथ। टू ब्रीथ के लिए हमें सेम वही प्रोसीज जो आपको पहले बताया था वही करना है। हेड को हमें हेड को ऐसे प्रेस करना है, नोज को पिंच करना है, देन ये जो हमारा चिन है उसको अप करके देन हमें इसमें टू ब्रीथ देनी है पेशेंट को, लाइक दिस। आप विजिबल चेस्ट राइट देख सकते हो। इमीडिएटली सीपीआर आपने रिज्यूम कर। सो मीनवाइल हम है ना 108 हमने एक्टिवेट कर दिया था, तो हमारे पास एईडी आ गया। दिस इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, जब तक ए आएगी, ए आने के बाद है ना हम कनेक्ट करना पड़ेंगे। यू कैन रिज्यूम योर सीपीआर। उसके बाद है ना ये मशीन आपको बोलेंगे आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, वो ये मशीन बोलेंगे। अप्लाइड पैड एज शोन इन द पिक्चर्स। Do not touch the patient analyzing heart rhythm. So your machine heart rhythm ko analyze kar rahi hai. The patient analyzing heart rhythm. Shock advised. Shock advised. So isme shock ka button hai, aapne shock press karna hai. Theek hai? Isse pehle everybody has to clear. Shock de rahe ho. Deliver. शॉक डिलीवर्ड, उसके बाद हम इमीडिएटली सीपीआर को रिज्यूम करना है। होगा नहीं, हम दोनों कर सकते हैं। नहीं, वो तो कर सकते क्योंकि तब तक हम थके हैं ना, हम थकने के बाद इसका कोई यूज नहीं है। आने के बाद